यूट्यूब के दोस्त आरती ले लीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी। हेलो फ्रेंड, जय माता दी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आइए मेरे साथ। आई गाइज, आइए आइए, इंजॉय योर लाइफ। फाइनली धूप आ चुकी है, ये देखिए। अभी बहुत ज़्यादा तो गर्म नहीं बोल सकती मैं, ठीक है, लेकिन अच्छा लग रहा है विटामिन डी लेने में और साथ में चाय लेने में गर्मा गर्म। गाइस, मैंने भिगो के रखा हुआ था ये स्प्राउट और ये 3 दिन से ऐसा ही भीगा हुआ है और अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसे अंकुरित हो चुका है। देखिए, अंकुरित हो चुका है और ये बन चुका है हमारा स्प्राउट। जी हाँ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो राम राम जी। राम राम जी, क्या हाल है? बस बढ़िया है, आप कैसे हो? सब बढ़िया है। अच्छा, प्रैक्टिस चल रही है आपकी? हाँ, प्रैक्टिस चल तो रही है, ठीक हो जाए तो ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो आप, मैं ना आपके लिए हाँ रेडी कर रही हूँ फटाफट। तो चल रही है। अच्छा, और भगवान करे ठीक हो जाए। हो जाओगे ठीक, हो जाओगे। घड़ी बजे हुए हैं 10:30। अब अंकल के लिए ब्रेड मतलब ब्राउन ब्रेड में कर रही हूँ। चलिए, आपका ब्रेकफास्ट आ गए है आज। ब्राउन ब्रेड को क्रिस्पी कर दिया है घी में। आज ब्राउन ब्रेड को ना क्रिस्पी कर दिया है घी में, मक्खन में। अच्छा, तो आप कर लो ब्रेकफास्ट, ठीक है? अच्छा, तो जी गाइज, ये देखिए घड़ी में बजे हुए हैं 11:30 और यहाँ पे कुछ मेरा रूम इस टाइप का हो रहा है। कैसे टाइप का हो रहा है? इस टाइप का। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गाइज, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। माई गॉड, माई गॉड, ब्रीफकेस ओपन है, सारी ड्रेसेस वगैरह निकाली हैं, ये देख सकते हो आप। तो अभी इनमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सारे वूलन वाले कपड़े इसमें भी रखने हैं, ऊपर कबर्ड में भी रखने हैं, और ये देखिए बहुत सारा यार। तो अभी इनको मैं सेट करूँगी, आज यही वर्क है मेरा। गाइस, यहाँ मैं कपड़े लगा रही हूँ और यहाँ मुझे अभी आवाज़ आई कि अंकल ना हमारे अकेले में बात कर रहे हैं। देखो, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। और गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रूम सेट हो चुका है। घड़ी में बज गए हैं 1 और आपको पता है मैं कब लगी थी, जब मैंने आपको टाइम भी दिखाया था। तो फाइनली रूम सही हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको अपनी कबर्ड दिखाती हूँ। यस यस यस, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। सो इस तरह से मेरे कपड़े लग गए, ये देखिए फोल्ड कर करके मैंने लगा दिए। बाकी कुछ कपड़ों पे आयरन नहीं हुए और कुछ कपड़े मेरे इसमें रख दिए हैं मैंने, अपने कलेक्शन सारे, ये देख सकते हो आप। ये मतलब इसमें मेरी कुछ ड्रेसेस हैं, इसमें भी कपड़े हैं, उसमें भी कपड़े, कितने ही कपड़े यार, क्या ही करूँ, कपड़े कपड़े कपड़े। तो अभी फिलहाल तो ऐसा ही हो रखा है, बाकी बाद में देखेंगे और क्या डेकोरेट करना है। अगर हम इनके रूम में आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, आज तक गेम खेल रहा है और यहाँ पर कृष्णा अपनी स्टडी कर रहा है, लेकिन इनका रूम तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। गाइस, घड़ी में बजे हुए हैं 1:30 होने वाला है और यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ, हरी प्याज की, आप देख सकते हो। और देख लेते हैं अंकल क्या कर रहे हैं। ओ, अंकल तो रूम में है ही नहीं, उड़ गए। अरे, आपको ठंड ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, हवा चल रही है बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस। घड़ी में बजे हुए हैं 2:00 और यहाँ पे अंकल के लिए जा रहा है गर्मा गर्म खाना, लंच मीन्स लंच। ये लीजिएगा गर्मा गर्म चपातियाँ हरी प्याज के साथ। अच्छा जी, थैंक यू, वेलकम जी। गाइस, ये देखिए मैं यहाँ पे चपाती बना रही हूँ, लेकिन अभी भी कृष्णा की आवाज़ आई है कि कबूतर आ गए मेरे, तो मैं जा रही हूँ लेके ये बीच में छोड़ के खाना। ये हाँ, सच बोल रहा था कृष्णा, तो वास्तव में ही आ गए और गेट पे खड़े हैं। गाइस, ये नॉक कर रहे थे, नॉक। आ जाओ, ये लो चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू। गाइज, यहाँ पे डाल दिया है इनका खाना। तो जी गाइज, लंच मेरा प्रिपेयर हो चुका, खाना बन चुका, सारी चीजें हो गई, यहाँ पे 2:30 बजने वाला है। गाइज, अब मैं जिस चीज की बेसब्री से इंतजार कर रही थी ना इसको ओपन करने का, तो मैं अभी इसको ओपन कर लेती हूँ, बिकॉज आई कांट वेट। अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है, मैंने बहुत टाइम काट लिया, मतलब मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून का 2:30 बज चुका है। आप सोचो कितनी कैपेसिटी रही होगी मेरे अंदर कि एक लड़की के लिए गिफ्ट्स आते हैं और वो ओपन नहीं करती है। यू नो व्हाट, क्यों? क्योंकि आई एम वेरी पैशनेबल गर्ल। सो अब आराम से खोलूंगी, क्योंकि मुझे पता था मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तो वर्क ही है वर्क होता है। तो मैंने सोचा कि अभी प्रैक्टिस से पहले मैं क्यों ना अपना ये जो पार्सल है उसको ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसमें है क्या है।
4:30 हुए हैं यहाँ पे रेडी हूँ अपने वर्कआउट के लिए। बहुत सारा काम थोड़ा सा कर लिया है मैंने वर्कआउट में से। 4:30 बज रहे अभी, मैंने बीच में आपको दिखा नहीं पाई, मैंने हाँ 4:30 बजे कर लिया था स्टार्ट और अभी 10 मिनट हो गई है। तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ मैं इस चीज़ को, आपको अपनी बात बताऊँ आपको। और अभी जैसे कि 4:35 हो रहे हैं, मेरी जो प्रैक्टिस चलेगी वो 5:15 तक चलने वाली है। 5:15 तक ठीक है, इस प्रैक्टिस हो चुकी है, ओवर ही हो गया टाइम, देख सकते हो टाइम देख सकते हो जी। अगर घड़ी बज गए 5:35, शाम हो चुकी है। तो जी गाइस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बालकनी में, क्योंकि थोड़ा सोच रही हूँ नेचुरली हवा ले लूँ। और 5 मिनट यहाँ पे रेस्ट करने के बाद, आपको पता है जैसे जैसे गर्मी आएंगी ना, हम लोग चाय कम कर देंगे। जी हाँ गाइस, यस थोड़ा सा 10 मिनट अपने असीली को सुखाऊंगी मैं गाइस। ओ आज हमारा अगले सॉन्ग का कंपटीशन हो रहा है आराध्या में और भव्य में, और वी आर सो एक्साइटेड। मैं मौर्वी का अपने व्लॉग नहीं बना जब वो आई थी। हाँ। नहीं नहीं बना दिया था मैंने मौर्वी बना दिया था। उसको मैंने इंट्रोड्यूस भी करा दिया था ना मौर्वी आपका। मैं था। हाँ, आप नहीं आए थे उस दिन। तो अभी ये थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट म्यूजिक। चलो तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। और गाइस इनको फिर प्राइज भी मिलेगा, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं बच्चे। मैं प्राइज के बाद की भी वीडियो बनाना। ठीक है मैं बनाऊंगी। और बेटा आप पहले से क्यों बोलते हो कि मैं फिर से हार जाऊंगी? आपने मतलब अपने माइंड में ये चीज बैठा क्यों ली है कि मतलब मैं हारूंगी ही? आपने ये मेंटेलिटी क्यों बनाई है अपनी, भव के भव्य से आप हमेशा हार जाओगे? वाह जी, उसको इतना कॉन्फिडेंट है कि वो मतलब हमेशा बोलता है कि मैं जीतूंगा ही। तो फिर आपको कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो? आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि मैं हार जाऊंगी? बस एक दो बार ही तो जीत गई। पर मुझे जीतने का बहुत शौक था। जीतने का बहुत शौक था, इसका मतलब आप पहले से डिसाइड कर चुके हो कि आप हारोगे? नो बेटा ऐसे नहीं करते। आप ये सोचो कि आपको टक्कर देनी है भव्य को, जो कि नहीं दे पाओगे। टक्कर देनी है उसको, मैंने पहले ही बोला था जितना डांस करोगे प्रैक्टिस करोगे आप। चलो ठीक है, अभी गाइस इन दोनों को बेस्ट ऑफ लक बोलिए। फाइनल हमारा कंपटीशन हो चुका है, मैं तुम्हारा अनाउंस कल करूंगी। ओके आज नहीं करेंगे, चॉकलेट दे देते हैं, टॉफी दे देते हैं आपको। आफ्टर डांस गाइज मैं जा रही हूँ शादी में। जी हाँ, जिसका कार्ड आया था मेरे यहाँ, मैंने आपको दिखाया था, और वहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट ऐसा है आप देख सकते हो, तो सडनली प्रोग्राम बन गया। हेलो गाइज, मेरा पहले आने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो चला जाए, क्योंकि अर्पिता ने भी काफ़ी जिद की थी मुझे। तो यहाँ पे कुछ खाना पीना आप देख सकते हो, खाया पिया काफ़ी सारा। और गाइस खाना खा के इतना पेट भर गया था ना हमारा कि बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ पे मैं और अर्पिता आ गए डांस करने के लिए डीजे पे। जी हाँ, क्योंकि डीजे पे खाना खाने के बाद आ जाओ और अपना खाना डाइजेस्ट भी कर सकते हैं हम सीरियसली। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा फन किया, बहुत सारी मस्ती की। चूल्हे की एंट्री से पहले ही हमने यहाँ पे बहुत सारा डांस किया। और गाइस हम लोगों ने इतनी सारी मस्ती कर ली, डांस कर लिया, और अभी यहाँ पे हो गई है दूल्हे की एंट्री। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो, और इतनी सारी मस्ती करने के साथ साथ ही दूल्हे के दोस्त वगैरह भी साथ में कितनी सारी मस्ती कर रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए।